आज इंडिया में लगभग सबकी फेवरेट कार यानी कि थार शायद कभी बन ही नहीं पाती अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता। एक टाइम पर यह कार बंद होने वाली थी, लेकिन फिर दो भाइयों की मेहनत ने इसे इंडिया की शान बना दिया। शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब महिंद्रा थार की 700 यूनिट भी नहीं बेच पाया था। वर्ल्ड वॉर से निकली यह कार कई दिक्कतों से निकलकर कैसे हर इंडियन का सपना हो गई कि लोग आज महीनों इसे खरीदने का वेट करते हैं, आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी हर स्टोरी आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी शुरू होती है तब से जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने को था, जब दुनिया अमेरिका और जर्मनी के गुटों में बटी हुई थी। जंग कभी भी हो सकती थी। दुनिया के सारे देश हथियार बनाने में लगे हुए थे और हर जगह पर अपनी आर्मी से लेकर हथियार भेज रहे थे। इन हथियारों को भेजने में टैंक से लेकर हवाई जहाज और फाइटर जेट तक का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन ये पूरा प्रोसेस खर्चीला था और अपने खर्च कम करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसी गाड़ी बनाने की सोची जिससे कि मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी कम टाइम पर आसानी से पहुंचा जा सके। उनकी डिमांड थी कि ये गाड़ी हैवी भी ना हो और बहुत मजबूत हो ताकि आसानी से इसे हवाई जहाज के थ्रू कहीं पर भी ड्रॉप किया जा सके। इसी आइडिया ने आगे चलकर थार को जन्म दिया था। अमेरिकी सरकार ने जब कंपनी से डिजाइन मांगे तो सबसे पहले बेंटम कंपनी ने अपना डिजाइन दिया। अब यहां पर पेच एक ये था कि बेंटम एक छोटी कंपनी थी, हालांकि उसका डिजाइन पसंद आ गया था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर जितना प्रोडक्शन नहीं संभाल सकती थी। इसीलिए उस टाइम की एक बड़ी कंपनी विली और दूसरी बड़ी कंपनी फोर्ड ने अपना जो डिजाइन दिया वो सबको पसंद आ गया और फिर इन दोनों कंपनीज को ही गाड़ी बनाने का ठेका मिल गया। विली ने अपनी इस गाड़ी का नाम रखा था जीप। ये गाड़ी आसानी से टफ जगहों पर आ जा सकती थी। ये इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे मोर्टार के हमले भी झेल सकती थी। 1940 में विली ने अपनी कार को जीप नाम से रजिस्टर करा लिया और देखते ही देखते ये कार अमेरिकन आर्मी की फेवरेट बन गई। लेकिन जीप के लिए अभी मुश्किल दौर आने वाला था। हुआ ये कि 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इस कार की डिमांड भी तेजी से गिरी। इस बात को नोटिस करते हुए विली ने अपनी कार्स को पब्लिक में भी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे फेवरेट कार अमेरिकन मार्केट में नहीं टिक पाई। इसका रीजन भी यही था कि जीप वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई थी। अभी तक थार की शुरुआत नहीं हुई थी और कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में जा रही थी। एक ऐसा टाइम भी आया जब कार्स के प्रोडक्शन को बंद करने की बात भी होने लगी थी। लेकिन ठीक इसी टाइम पर दो इंडियंस की एंट्री होती है। ये दोनों अमेरिकन मार्केट में इस कार को नोटिस कर रहे थे और उन्हें इंडिया में इसका ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था। ये दोनों भाई थे जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। दोनों को ये कार देखकर लग गया था कि इसे इंडिया में होना चाहिए। वैसे महिंद्रा के लिए आसान नहीं था क्योंकि रिस्क लेने के लिए जैसे सब मना करते हैं वैसे ही महिंद्रा ब्रदर्स को भी काफी समझाया गया। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक डील साइन करके पहले ही इन कार्स को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब महिंद्रा का सपना था कि हर आदमी के हाथ में गाड़ी हो, लेकिन जीप की जो प्राइसिंग थी वो अभी भी लोगों की पहुंच से बाहर थी, इसलिए लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। यानी कि विली की इंपोर्टेड कार को इंडिया में चलाने के लिए और सस्ता करना जरूरी था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 1960 में उन्होंने इस कार के लाइसेंस को खरीद लिया। इसके लिए भी उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इस लाइसेंस को खरीदने से जीप की किस्मत बदल गई। महिंद्रा का तीर सही निशाने पर लगा था। जीप सस्ती हो गई थी और धीरे धीरे इंडिया के 25% बाजार पर जीप का कब्जा हो गया था। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि यही जीप आगे चलकर थार बन जाएगी और सबकी फेवरेट हो जाएगी। जीप में टाइम टू टाइम कई बदलाव कराए गए। पहले सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली जीप हुआ करती थी जिसे महिंद्रा ने डीजल इंजन में कन्वर्ट कराया क्योंकि डीजल तब काफी सस्ता हुआ करता था। ऐसे 1968 में महिंद्रा ने जीप में राइट हैंडेड ड्राइविंग को इंस्टॉल कराया ताकि इंडिया की सड़कों पर जीप को चलाने में लोगों को दिक्कत ना फेस करनी पड़े। इस तरह से कई बदलावों के साथ करीब 40 साल तक जीप के कई मॉडल उतारे गए। इन मॉडल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको आज की थार से बहुत अलग नहीं लगेंगे। जीप अब हर जगह अपनी छाप छोड़ चुकी थी, लेकिन करीब 40 साल मार्केट पर एक तरफा राज करने के बाद इसका भी एक बुरा वक्त आया। जब सदी बदली और साल 2000 आया तब जीप का प्रोडक्शन कम हो गया। वजह थी वो नई कार्स जो जीप से बेहतर थी।
बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार्स में जीप से अलग एसी हुआ करती थी और ये कार पूरी तरह से बंद हुआ करती थी, जो इनके लुक को लग्जरी बनाती थी। लेकिन जीप में ये सब नहीं था, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इसी टाइम पर इंडियन आर्मी जो जीप खरीदा करती थी, वो भी जिप्सी की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यानी कि जीप की मार्केट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब महिंद्रा को भी लगा कि जीप को एक नए मेकओवर की ज़रूरत है, और इसी मेकओवर का रिजल्ट थी 2010 की वो कार जो आज सबकी फेवरेट है। इस कार को खिचड़ी कार भी कहा जाता था, क्योंकि स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 से इंस्पायर होकर महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया था। इस कार ने ऑफ रोड ड्राइविंग के दीवानों में इसका क्रेज बढ़ा दिया था, लेकिन इस कार में सेफ्टी को लेकर दिक्कतें थी और डेली यूज के मामले में यह भी बाकी कार्स के मुकाबले कम अट्रैक्टिव थी। फिर 2015 में महिंद्रा ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर री अपडेट किया। इसने लोगों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, और फिर 2019 में कंपनी ने थार 700 एडिशन निकाला। इसको बेचने के लिए आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर और उसके लोगों का इस्तेमाल किया गया। एक टाइम ऐसा आया जब महिंद्रा के पास बेचने के लिए सिर्फ 74 कार्स बची थी, लेकिन फिर महिंद्रा की स्ट्रिक ने काम किया और थार रातों रात इंडिया की फेवरेट कार बन गई। साल 2020 में महिंद्रा ने फिर से एक नए वर्जन को लॉन्च किया, और इस वर्जन ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दी। इसने इंडिया में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। थार का यह मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि एक साल के अंदर 75,000 कार्स की बुकिंग हो चुकी थी। ये कार इतनी बिकी कि थार के लिए लोगों को एक साल तक का वेटिंग पीरियड मिल रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी थार की, जिसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका से, और जो आज फेवरेट बन बैठी है इंडियन लोगों के बीच में। आपको थार की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।